साथ मैं नरेंद्र बसंत। बक्सर में आए दिन लगातार चौक चौराहे पर किसी की मर्डर की, किसी के बलात्कार की या फिर किसी के पैसे छिनती की घटनाएं सामने निकलकर अक्सर आ ही जाती है। और कल सोमवार के दिन यानी 23 मई को एक ऐसा ही एक व्यक्ति के साथ घटना हो गया और व्यक्ति आज आपके कैमरे के सामने है और इन्हीं के साथ वो घटना का अंजाम दिया गया है कि ये जो है बैंक से 90,000 रुपया लाने गए थे और बीच रास्ते में ही इनके साथ धोखाधड़ी हो गया। सर पूरी मामला बताइए सर क्या है। नमस्कार सर, देखिए कल शाम को लगभग हम 3:30-4 बजे के आसपास HDFC ब्रांच में गए, बक्सर के पीपी रोड HDFC ब्रांच में। वहाँ पर मेरा अपना खाता है, उस खाता में से 90,000 रुपये का हमने निकासी किया। निकासी करके मेरे मित्र हैं एक लाइब्रेरी पर, ज्योति लाइब्रेरी पर, उन्हीं को पैसा मेरे को देना था। देने के लिए हमने वहाँ से लेकर के निकले तो पीपी रोड होते हुए रामरेखा घाट होकर के ज्ञान गंगा जो स्टेशनरी है दुकान उसके आगे आए, नियर अबाउट अरविंदो अल्ट्रासाउंड के गेट के पास तक। तो हमारे पीछे से, हमें पता नहीं था, एक बाइक पर सवार दो अपराधी लोग, हमने पैसा जो रखा था आगे सामने, बाइक से आ रहे थे हम भी, सामने पैसा रखा था, वो सामने से पैसा हमसे छीने और छीन करके सीधे सामने की ओर मॉडल थाना की तरफ जाते हुए चरित्र वन के रास्ते से वो लोग भागने में सफल रहे। हमने उनका पीछा भी किया, कम से कम विशाल मेगा मार्ट तक पीछा भी किया, हमने आवाज़ भी लगाया कुछ, लेकिन वो लोग किसी भी तरह से हमसे भागने में सफल रहे। मैं अकेले था और वो लोग भाग निकले। सर कितना पैसा था? 90,000 रुपया था सर। 90,000 रुपया एक बड़ी रकम होती है और बैंक से जब कोई जनरली पैसा निकालता है इतनी बड़ी रकम, तो उसके साथ बैंक का कोई दूसरा व्यक्ति साथ में होता है आपके, तभी बैंक अलाउ करता है उतने रकम को ले जाने के लिए। फिर आपको कैसे के लिए दे दिया पैसा सर? सर हमारे साथ तो दूसरा आदमी कोई था नहीं, हमने गया पैसा लिया, हमको इजीली पैसा मिल गया। कोई सर क्या इसको बैंक की लापरवाही हम कह सकते हैं? सर आपको जो समझ में आया आप कह सकते हैं, लेकिन हम क्या कहें, हमें तो, हमारे साथ तो धोखा हो गया, हमारे साथ तो अपराध हो गया। सर आपको जब बैंक में एंट्री किया तो क्या कुछ ऐसा लगा कि कोई एक्टिव है आपके? नहीं सर, हमें कोई आभास अनुभव कुछ नहीं था, नहीं तो हमें थोड़ा भी अनुभव होता तो निश्चित हम सावधान हो जाते, तो हमें उस तरह का कोई अनुभव नहीं मिला, कोई हमको शक संदेह किसी पर नहीं हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है या कोई मेरे से पैसा छीनने के फिराक में। कल 23 मई था और आज 24 मई है, एक दिन हो गया पूरा जी। प्रशासन की तरफ से सर क्या इस पर गाइड? सर हमने कल शाम को प्रशासन के पास गया, थाना में गया, थाना में थाना अध्यक्ष महोदय थे और सभी उनके बहुत सारे पदाधिकारी लोग थे साथ में, सब लोगों ने प्रयास किया, हम लोग, हमको लेकर के साथ में उन लोग बैंक भी गए, बैंक के CCTV कैमरे को खंगाला गया, बाकी रास्ते में कुछ CCTV को भी देखा गया, उसमें बाइक वाले दिख रहे हैं, लुटेरे तो दिख रहे हैं, लेकिन अब तो शायद उसको पेन ड्राइव में लेकर या कुछ एडिट करके देखा जाए तो कुछ चेहरा स्पष्ट हो या कुछ मैटर स्पष्ट हो, लेकिन प्रशासन अपने स्तर से, हम जब तक थे हमें जहाँ तक लगा कि वो लोग अपना CCTV खंगाल रही है, बाकी अभी तक कोई हमारे पास पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। सर आपके साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया है, अदर लोग जो बैंक में जाते हैं उनके लिए क्या सजेशन दीजिएगा? सजेशन यही है कि आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और इस तरह की लापरवाही से बचिए। हमें कहीं भी ये संदेह शक नहीं था कि हम इतनी बड़ी रकम ले जा रहे हैं।